पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना। क्यों कंजूसी दिखाते हो यार? एक बात सुनो, आप लोग इतने वीडियोस लाइक करते हो, मैं देखता हूँ खाना पकाने वाले, ब्लॉग घूमने वाले, अजीब अजीब से वीडियो। मेरी क्या आपसे कोई दुश्मनी है भाई? अगर वीडियो देखते हो, क्लिक करते हो, एक लाइक करके चले जाओगे, एक कमेंट करके चले जाओगे, तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? तो इस वीडियो को देखने से पहले आपसे कह रहा हूँ भाई, लाइक करना और कमेंट भी जरूर करना, आपको मुझ पर एहसान रहेगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ कि मुझे सक्सेस कहाँ से मिली, कैसे मिली। मेरा ये सफर, हम सफर आप हैं और जुड़े रहिएगा मेरे दोस्तों। वो गाना जो मैंने गाया मोहम्मद रफ़ी साहब का, कि उस गाने ने मुझे फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा दिया। वो गाना था फिल्म बैजू बावरा का, और ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 1952 को। सन 1952 में रिलीज होने वाले इस फिल्म का संगीत दिया था नौशाद अली साहब ने, जो कि उस वक्त के एक बेहतरीन और बड़े संगीतकार थे। और इस फिल्म के, इस गाने के गीतकार थे शकील बदायूनी, जो एक बेहतरीन गीतकार रहे हैं अपने वक्त के। और ये राग दरबारी पर आधारित था। भारत में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस, जिसने ये गाना नहीं सुना होगा। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। इस गाने ने मुझे बहुत, मेरे कैरियर को तरक्की दी और मुझे आगे पहुंचा दिया। सुन दर्द भरे मेरे नाले। लगभग 2 लाख व्यूज इस गाने पर अब तक आ चुके हैं, लाइक्स हैं। इसके बाद एक गाना जो मैंने गाया, जो मेरा सबसे पॉपुलर गाना बन गया, खिलौना जान कर। 26 लाख लोगों ने इस गाने को देख लिया है, हजारों लाइक हैं, हजारों कमेंट हैं। तुम तो मेरा दिल, और रोजाना आते ही रहते हैं। इस फिल्म के गाने के बोल हैं, तोड़ जाते हो खिलौना जान कर, तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। और मेरे दोस्तों, ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 1970 को, और फिल्म का नाम था खिलौना। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और ये भी राग दरबारी पर आधारित था। इस गाने को सुनने के बाद लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे कमेंट किए, कोई अपने महबूब को याद करके रोने लगा, कोई अपनी पुरानी मोहब्बत में खो गया, और किसी ने मुझसे बोला कि सलीम भाई, आपने तो रुला दिया, आप में हमें मोहम्मद रफ़ी साहब नज़र आते हैं। और बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद एक गाना मैंने और गाया, वो गाना भी इसी फिल्म खिलौना से था। खुश रहे तू सदा, खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। ये भी राग दरबारी पर ही आधारित है गाना। ये दुआ है मेरी, माफ कीजिएगा, ये गाना राग दरबारी पर आधारित है। और इससे पहला गाना जो है खिलौना जानकर, तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, ये एक बिछो गीत है। तो मेरे दोस्तों, खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, बेवफाही सही दिल रुबा है मेरी। इस गाने से लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। अब इस गाने के दर्द को, इस गाने की तकलीफ को उस वक्त के लोग समझा करते थे कि जब लोगों के सीने में दिल हुआ करते थे। आज तो लोगों के सीने में दिल के बजाय सिर्फ जज्बात वज्बात कुछ नहीं है। उस वक्त इस गाने ने धूम मचा दी थी, और जब मैंने गाया तो भी धूम मचा दी, और लोगों को बहुत पसंद आया। इस गाने का भी संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था, और गीतकार थे आनंद बख्शी। इसके बाद जो चौथा गाना था मेरे दोस्तों, मनोज कुमार साहब की फिल्म, और मनोज कुमार साहब के ऊपर फिल्माया हुआ गाना। फिल्म थी दो बदन, और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1966 को। और इस गाने के बोल थे, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहां जाएं, मोहब्बत हो गई जिनको वो अफसाने कहां जाएं, को समझाने कहां जाएं।
वाकई में ये ऐसा गाना है कि अगर आप रात की तन्हाई में इस गाने को सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। अगर आपने किसी से मोहब्बत की होगी, मोहब्बत नहीं की है तो भी जज्बातों में तो खो ही जाएंगे। इस गाने का संगीत दिया था रविशंकर साहब ने, ये भी बड़े बेहतरीन संगीतकार गुजरे हैं अपने वक्त के। आनंद बख्शी साहब इसके गीतकार थे, इस गाने ने भी मुझे स्थापित किया। इसके बाद फिल्म थी पत्थर के सनम, और इस फिल्म का गाना था रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। रहा गर्दिशों में हरदम, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा। मेरे इश्क का सितारा, वाकई क्या गाना है, क्या जज्बात है इस गाने के भाई साहब। और इस फिल्म का संगीत दिया था एसडी बर्मन साहब ने, 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हसरत जयपुरी साहब ने इस गाने को लिखा था और बड़ा ही बेहतरीन गाना है, आप सुनिएगा जरूर। रफी साहब के अंदाज में आपने सुना होगा, आप मेरे अंदाज में मेरे चैनल पर जाकर जरूर सुनिएगा, मैं कहता हूं बड़ा बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद एक गाना मैंने, मेरे दिल में बहुत दिनों से था, मैंने उस गाने को गाया और उस गाने के बोल थे, मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना, जो थी आज तक हकीकत वही बन गई फसाना। ये गाना मेरे दिल के करीब है दोस्तों, बहुत करीब है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस गाने को गुरुदत्त जी के ऊपर फिल्माया गया था और चौधरी का चांद फिल्म का ये गाना था, और बड़ी ही प्यारी फिल्म है, बड़ा ही प्यारा गाना है, इसके अल्फाज बहुत अच्छे हैं गाने के। मुझे रास्ता दिखाकर मेरे कारवां को लूटा, तुझे आ गले लगा लूं है गर्दिशे जमाना। तो ये चंद गाने थे जो मैंने आपको बताए हैं। सफर तो बहुत लंबा है दोस्तों, और उसे शेयर भी करूंगा आपके साथ, लेकिन धीरे धीरे। फिलहाल आज के लिए अपने भाई को, अपने दोस्त को इजाजत दीजिए। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, अपने भाई को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम दोबारा।